आज मैं बनाने जा रही हूँ सुपर टेस्टी डिलीशियस बहुत ही आसानी से बनने वाली पाव भाजी की रेसिपी, जिसे बनाना तो आसान है ही, खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैं यहाँ पे कुछ सब्जियाँ ली हूँ। तो सब्जियों में मैंने यहाँ पर लिया है 100 ग्राम फूलगोभी, 100 ग्राम गाजर, 1 शिमला मिर्च, आधा कप मटर, आधा बीटरूट। बीटरूट को मैंने यहाँ पे कलर को बढ़ाने के लिए किया है, आप चाहे तो बीटरूट को स्किप करके फूड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया है 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को मैंने इसे छिलका निकाल के अच्छे से धो लिया है। सारे सब्जियों को अच्छे से धो के काट लिया है मैंने। इन सारी सब्जियों को पहले इस तरह से प्रेशर कुकर में डाल लेंगे। फिर इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक। अब इसमें डालेंगे पानी। तो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 2 से 3 कप पानी। पानी उतना ही डालेंगे जैसे कि सब्जी अच्छे से कुक हो जाए। पानी डालने के बाद इसको इस तरह से थोड़ा मिक्स करेंगे। अब कुकर का ढक्कन को बंद करके 7 से 8 सीटी आने तक पकाएंगे। तो गैस पे चढ़ा के मीडियम फ्लेम करके इसको 6 से 7 सीटी आने तक पका लेंगे। 7 सीटी आने के बाद कुकर जब ठंडा हो जाए तब इसको इस तरह से खोलेंगे और आप देख सकते हैं सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो गए हैं। अब सब्जियों को एक मैसर की मदद से अच्छे से मैश कर लेंगे। अगर आपके पास मैसर नहीं है तो आप कोई भी ग्लास या कटोरी की मदद से सब्जियों को मैश कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं सारे सब्जियों को अच्छे से मैश कर ली हूँ। अब चलते हैं पकाने के प्रोसेस में। तो इसके लिए मैं एक कढ़ाई गर्म की हूँ पहले से ही। कढ़ाई जब अच्छे से गर्म हो जाए तब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच तेल, साथ ही यहाँ पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच बटर। मैं यहाँ पे बटर का इस्तेमाल कम कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें ज़्यादा बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा। जीरा को थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। जीरा जब थोड़ा सा पक जाए तब इसमें डालेंगे 1 हरी मिर्च, जिसको मैंने इस तरह से बारीक काट लिया है। हरी मिर्च को थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। जब हरी मिर्च थोड़ा पक जाए तब इसमें डाल देंगे प्याज। तो मैं यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज को इस तरह से बारीक काट के ले ली हूँ। प्याज को थोड़ा सा पका लेंगे। प्याज जब थोड़ा सा पक जाए तब इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो मैं यहाँ पे 1 चम्मच अदरक लहसुन को इस तरह से क्रश करके डाल रही हूँ, आप चाहे तो अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अदरक लहसुन को थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। अदरक लहसुन जब थोड़ा सा भून जाए तब इसमें डालेंगे मसाले। तो मसाले में मैं यहाँ पे डाल रही हूँ आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, फिर इसमें डालेंगे 2 छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला का पाउडर। मसालों को थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। मसाला जब थोड़ा सा भून जाए उसमें से अच्छी खुशबू आने लगे तब इसमें डालेंगे टमाटर। तो मैं यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ के टमाटर को इस तरह से बारीक कट के डाल रही हूँ। टमाटर का इस्तेमाल इसमें थोड़ा ज़्यादा होता है। टमाटर को डालने के बाद फिर इसमें डालेंगे आधी छोटी चम्मच नमक और इसको अच्छे से मिला देंगे। टमाटर को अच्छे से मसालों में मिला लेना है। मिला लेने के बाद इसको कवर करेंगे और कवर करके 3 से 4 मिनट तक पका लेंगे ताकि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। 3-4 मिनट बाद पैन का ढक्कन हटाएंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टमाटर है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इस तरह से मिला लेने के बाद अब एक पोटैटो मिक्सर लेंगे और इसको अच्छे से मैश कर लेंगे ताकि मसाला अच्छे से स्मूथ हो जाए। मसाला को अच्छे से स्मूथ कर लेने के बाद इसको अच्छे से इस तरह से मिक्स करेंगे। तो हम लोग का मसाला बनके तैयार है। अब हम लोग इसमें डालेंगे जो हमने सब्जियां उबाल के रखी थी। इसको सारे सब्जियों को डाल लेने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इस तरह से मिक्स करते हुए थोड़ा देर के लिए भून लेंगे मसालों के साथ सब्जियों को। सब्जियों को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद अब एक पोटैटो मिक्सर की मदद से सब्जियों को मैश कर लेंगे। जो भी हम लोग का जो सब्जी थोड़ा सा मैश होना रह गया है वो अच्छे से मैश हो जाएगा। पाव भाजी को जितना ज़्यादा मैश करेंगे उतना ही टेस्टी बनके तैयार होगा। तो ये देखिए हमारा जो बाकी सब्जी था वो अच्छे से मैश हो गया है और हम लोग का जो भाजी है वो बन के तैयार हो गया है। लास्ट में हम लोग डाल देंगे इसमें थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता
और डाल देंगे 1 से 2 चम्मच बटर। अगर आप भाजी को बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इसमें मक्खन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, क्योंकि स्ट्रीट में बहुत ज़्यादा मक्खन डाल के बनाया जाता है। तो इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा भाजी का एक तड़का बन के तैयार है। लेकिन अगर आप स्ट्रीट स्टाइल बनाना चाहते हैं तो इसको दूसरा तड़का दें। तो इसके लिए मैं एक तवा गर्म की हूँ, इसमें डाल देंगे 1 से 2 चम्मच बटर। बटर डालने के बाद इसमें डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और जीरा को थोड़ा देर के लिए पका लेंगे। जीरा जब थोड़ा सा पक जाए तब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। इन दोनों को थोड़ा देर के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम लोग डालेंगे जो हमने भाजी बना के रखा है उसको। तो आपको जितना खाना है उस हिसाब से आप भाजी को डालें और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये हमारी स्ट्रीट स्टाइल भाजी बनके तैयार है। आप चाहे तो भाजी को पहले से बना के फ्रिज में रख सकते हैं और जब आपका खाने मन करे तब इसको इस तरह से तड़का लगा के सर्व कर सकते हैं। तो ये हमारा भाजी बनके तैयार है। इसको हम लोग इस तरह से प्लेट में निकाल लेंगे। भाजी को निकाल लेने के बाद जो हम लोग का तवा है सेम तवा में हम लोग डालेंगे 1 चम्मच बटर। बटर डालने के बाद अच्छे से इसको गर्म करेंगे, फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और अब हम लोग इसमें पाव सेकेंगे। तो इसको थोड़ा देर के लिए पका लेंगे, फिर हम लोग का जो पाव है इसमें इस तरह से इसको रख लेंगे। दोनों तरफ से पाव को अच्छे से सेक लेना है। तो एक तरफ तो हमने बटर लगाया, अब दूसरी तरफ से अच्छे से बटर को लगा लेंगे। इस तरह से बटर को अच्छे से लगा लेने के बाद इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा पाव भाजी मसाला। अब इसको हम लोग पलटेंगे। तो इस तरह से पलटेंगे सावधानी से, दोनों तरफ से पाव को सेक लेंगे अच्छे से। तो इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करेंगे। तो इस तरह से पलटते हुए दोनों साइड अच्छे से सेक लेंगे। दोनों साइड जब अच्छे से सेक जाए और क्रिस्पी हो जाए तब हम लोग इसको निकाल लेंगे। तो हम लोग का भाजी बन के तैयार है, पाव सीख के तैयार है। अब हम लोग इसको सर्व करेंगे। तो सर्व करने के लिए मैं यहाँ पे एक सर्विंग ट्रे ली हूँ। सबसे पहले हम लोग रखेंगे थोड़ा सा कटा हुआ प्याज, फिर इसमें रखेंगे कटा हुआ नींबू, फिर हम लोग हमने जो भाजी बनाया है उसको रखेंगे और भाजी के ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता, थोड़ा सा बटर। बिल्कुल हम लोग स्ट्रीट स्टाइल सर्व करेंगे। फिर लास्ट में हम लोग रखेंगे इस तरह से पाव और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।